नमस्कार, एस्ट्रो बेसिक में आपका स्वागत है। मैं जयंत कुमार बत्सा, आपका होस्ट एस्ट्रो बेसिक चैनल से। आज से मैं कंपाउंड नंबर सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कंपाउंड नंबर से कहने का मतलब है कि आपका जो नेम नंबर है उसका जो टोटल आता है। जैसे कि अगर आप मेरा नाम लें जयंत कुमार बत्सा, तो चैलेडियन अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको जब आप ऐड करते हैं तो ये टोटल आता है 46। अगर सिंगल डिजिट में देखें तो 1, लेकिन हर एक 1 जो है उसका मतलब डिफरेंट होता है। मतलब 10 का मतलब डिफरेंट होता है, 19 का मतलब डिफरेंट होता है, 28 का मतलब डिफरेंट होता है, 46 का मतलब डिफरेंट होता है। तो ये कंपाउंड नंबर जो है, ये नेम नंबर बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो लोग कहते हैं कि चलो आप अपना नेम नंबर जो है 1 पे लेते आइए, 5 पे लेते आइए, 6 पे लेते आइए, लेकिन उसके जो कंपाउंड नंबर होते हैं, वो जो 6 बना हुआ है 2 डिजिट से या 3 डिजिट से, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है और वो अलग अलग तरह का होता है। इवन दो टोटल 6 होता है, 6 की कॉमन प्रॉपर्टी होती है, लेकिन फिर भी उसमें जो नंबर्स आएंगे वो 6 जिससे बना है वो डिफरेंट होगा। तो क्विकली देखते हैं कि पहले कंपाउंड नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं इस एग्जांपल में। तो इन दिस एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि नेम नंबर, कंपाउंड नंबर जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं चैलेडियन अल्फाबेट के अनुसार। तो ये चैलेडियन अल्फाबेट का वैल्यू है, जैसे आप लोग जानते हैं कि ये जो नंबर्स हैं AIJQI, इसका वैल्यू 1 होता है, BKR का 2 होता है, CGLS का 3 होता है, लाइक दैट PF8 होता है। 9 के लिए हम लोगों के पास कोई अल्फाबेट नहीं है। तो अगर हम लोग नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं जयंत कुमार वत्सा के लिए, तो जयंत का नाम डालिए, अगर सारे वैल्यू को प्लेस करते हैं, J के लिए 1, A के लिए 1, Y के लिए 1, A के लिए 1, N के लिए 5, T के लिए 4, तो यहाँ वाले चार्ट से तो टोटल 13 आता है। कुमार के लिए उसी तरह 15 आता है, वत्सा के लिए उसी तरह 18 आता है। जब आप टोटल करते हैं तो ये 46 आता है। तो हमारा जो नेम नंबर है वो 46 है और सिंगल डिजिट में वो 1 कहलाता है। तो हम इसी 46 को हम लोग कंपाउंड नेम नंबर कहते हैं और सिंगल डिजिट में उसको हम लोग 1 कहते हैं। तो क्विकली देखते हैं, अगर आप मेरे सॉफ्टवेयर पे जाते हैं cosmic.astrobasic.com पे, तो न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो है, जब आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, तो अंडर चैलेडियन टैब आपका जहाँ पे सारे नंबर्स के बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो इस जगह पे कंपाउंड नंबर 46 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके बारे में दिखाया जाता है। डिस्क्राइब यू एज ए क्राउन हेड, इट मीन्स दैट यू कैन अचीव क्राउन विद इफेक्टिव यूज ऑफ इंटेलिजेंस प्रूडेंस। तो ये आपको इसके बारे में डिटेल्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहां से भी जान सकते हैं अगर आप लोग मेरा न्यूमरोलॉजी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो। इसके अलावा भी सारे नंबर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, भाग्यांक, मूलांक, नेम नंबर 1, तो 1 का फिर क्या मतलब है, तो यहां पर आपको सारे डिटेल्स जो है मिल जाएंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कंपाउंड नंबर 10 के बारे में। इससे पहले, अगर आप लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए, ये वन ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर है, लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है और बहुत सारे फ्री कोर्सेज, इंक्लूडिंग न्यूमरोलॉजी का बेसिक कोर्स जो कि लोशु ग्रिड के बेस्ड पे है, वो भी एस्ट्रो स्कूल पे दिया हुआ है। तो आप नीचे जो लिंक है वहाँ जा करके आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत सारे फ्री कोर्सेस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं नंबर 10 के बारे में। नंबर 10, नंबर 10 जो है वो 1 और 0 से मिलकर के बना हुआ है। तो अगर आपका नाम टोटल जो है 10 पर आता है तो इस 10 की एनर्जी आप में पाई जाएगी। तो 10 जो है ये 1 0 के अपेंड होने के कारण जो है, 0 जो बेसिकली अर्दी एलिमेंट के बारे में बात करता है, तो ये 1 का जो क्वालिटी है उसमें स्टेबिलिटी लेकर के आता है। तो ये फुल ऑफ एनर्जी जो 1 की एनर्जी है उसको बहकने नहीं देता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता है। पुराने टेक्स्ट में इसको कहा गया है कि जो स्नेक जो है, एक पहिए में फंसा हुआ सांप की तरह इनका लाइफ होता है। कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन आप उसको कॉन्क्वेयर करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके पास नेम, फेम, रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको लाइफ में। अगर आपका नेम नंबर 10 पर है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस और पेशेंस दोनों बहुत
मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भाग्य जो है आपका थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हमेशा आपके साथ प्ले करती है। तो बॉटम लाइन ये है कि आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, आपके पास पेशेंस भी है, लेकिन जो आपका लाइफ है वो थोड़ा स्मूथ नहीं रहता है, वो बहुत ही अप्स एंड डाउन और थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल टाइप का रहता है। आपके लाइफ में पैसे की आपको कभी कमी नहीं होगी और हमेशा जो है पैसे का फ्लो कहीं ना कहीं से आता रहेगा और चलता रहेगा। आप में फुल पोटेंशियल है हाई लेवल के सक्सेस पाने का, और एक बैलेंस नंबर की तरह जो है 1 की एनर्जी को ये शो करता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ये नंबर बहुत ही अच्छा है, आप अपना नाम नंबर 10 पे रख सकते हैं, क्योंकि ये नंबर जो है अगर आप अपने काम में ऑनेस्ट रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी और नेम फेम दिलाता है, और ये नंबर जिसका रहता है वो ज़्यादातर लोग जो है सुखी और खुशी दोनों रहते हैं, क्योंकि पैसे की इनके लाइफ में कभी कमी नहीं होती है। तो ये था नंबर 10 के बारे में, लेकिन आप और अगर जानना चाहते हैं अपने नंबर्स के बारे में तो आप मेरा लाइफ पाथ नंबर 1 का वीडियो जरूर देखिए। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या आई आइकन पे मैंने वो प्लेलिस्ट ऐड किया है, तो आप वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ सेंड मी ईमेल jayantkumar@astrobasic.com, या फिर आप मेरी वेबसाइट जाइए astrobasic.com आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे। और अगर आप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रो स्कूल ज्वाइन कीजिए, और अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर जरूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन, और आप मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट अपडेट्स उधर ही देता हूँ, और इंस्टाग्राम पे मैं छोटा छोटा रील्स बना के पोस्ट करता हूँ ऑलमोस्ट डेली, जिसमें मैं कुछ टिप्स देता हूँ, कुछ सजेशन देता हूँ हर एक नंबर्स के बारे में, वास्तु के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में। तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।